ये देखिए यहाँ पे जो बताया है ओज के गुण बताए गए हैं। ओज के 10 गुण होते हैं जो कि टोटली अपोजिट होते हैं हमारे विष और मध्य के कंपेरिजन में। तो गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिछलम स्निग्धम ओजो दशगुणम सुधम। चरक चिकित्सा स्थान में बताया गया है गुरु शीतम मृदुम लक्षणम। तो गुरु शीतम मृदु लक्षणम बहलम मधुरम स्थिरम प्रसन्नम पिछलम स्निग्धम ओजो दशगुणम सुधम। तो ये 10 गुण हमारे आचार्य चरक के द्वारा बताया गया है। उन्होंने बोला है कि टोटली अपोजिट गुण होते हैं जो ओज में बताए गए हैं वो टोटली अपोजिट होते हैं हमारे विषयों में। ओके, तो ये देखिए लघु गुण है तो यहाँ पे गुरु गुण है, रुक्ष गुण है तो स्निग्ध गुण है, उष्ण गुण है तो शीत गुण है, तीक्ष्ण गुण है तो मृदु गुण है, सूक्ष्म गुण है तो बहल गुण है। आशुकारी जो पहले जल्दी फॉर क्विक एक्टिंग वाला था ये लेट एक्टिंग है या फिर प्रसाद है। ओके, व्यवाही है, स्थिर है, व्यवाही दैट मीन जो वहाँ पे अल्टीमेटली पूरे जो विषय को फैला रहा था और जो स्प्रेड कर रहा था वो स्थिर करता है। ओके, तो टोटली अपोजिट है विकासी दैट मीन्स लक्षण है। ओके, विषद दैट मीन्स जो एक जगह पे स्थिर नहीं था लेकिन ये पिछले गुण का होता है, ये एक जगह पे स्थिर होता है। अनिर्देश्य रसा मतलब इसकी कोई टेस्ट नहीं होती है। तो मध्य के भी सेम गुण है जो विषय में बताए गए लेकिन एक लास्ट वाला जो गुण होता है मध्य अम्ल रस के होते हैं और विषय जो होते हैं अनिर्देश्य रस है, कोई रस नहीं होता है, दे आर टेस्टलेस। एंड अल्टीमेटली जो हमारे जो ओज होते हैं वो मधुर रस के होते हैं। तो ये टोटल ये जो सारणी है आपको 62 होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके अच्छे मार्क्स के लिए भी। ओके, तो ओज के प्रॉपर्टीज टोटली अपोजिट होते हैं हमारे विषय के कंपेरिजन में। ओके, तो विषय संकट ये हमारा लास्ट टॉपिक। ओके, तो विषय संकट दैट मीन विषय संकट मतलब क्या होता है कि विषय के जितने भी इटियोलॉजी है ना, विषय के जितने भी इटियोलॉजी हैं वो सभी जब इटियोलॉजी एक कंबाइनली जब आ जाते हैं ना तो उनको हम क्या बोलते हैं, विषय संकट बोलते हैं। तो ये देखिए अलग अलग ऋतु बताई गई है कि पित्त प्रकृति पर्षण को विष जो होता है, विष जो द्रव्य होते हैं वो थोड़ा सा इनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं या फिर दे आर अनटॉलरेबल, दे आर अनटॉलरेबल, वो थोड़े से टॉलरेट नहीं कर सकते। ओके, माइनर क्वांटिटी ऑफ विष द्रव्य दे कांट टॉलरेट। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे एक ये वहाँ पे एक बेस क्रिएट हो रहा है कि ये अगर लेते हैं तो जल्दी से वो डाई हो जाएंगे। ओके, उनमें विष का संकट जल्दी हो सकता है। विषकाल अगर वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में अगर वो लेते हैं तो वहाँ पे एक विष का संकट हो सकता है। कटु एवं तिक्त, ओके, कटु एवं तिक्त जो होता है वो अन्न जो होते हैं वो भी एक विष का एक्ट हो सकता है। ओके, दोष जो है पित्त दोष, दूषित जो है दूष्य, अगर रक्त है, जो भूख प्यास है, इन सभी के अधिकांश घटकों की उपस्थिति अगर रहती है, अगर पित्त प्रकृति का पर्सन है और ऋतु अगर वर्षा और ग्रीष्म ऋतु की चल रही है, पेशेंट ने कटु और तिक्त रस अगर वही उस समय लिया है और साइमल्टेनियसली उसने विष भी ले लिया है और पित्त प्रकृति का पर्सन भी है, पित्त प्रकृति वाले विष भी ले लिया उसने, वर्षाकाल ग्रीष्म ऋतु भी चल रही है, ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पर क्या होता है, वो वहाँ पर कंडीशन मेंटेन हो रही है कि जिससे क्या होता है विष का संकट हो सकता है। ओके, तो इस स्थिति में 100 में से एक ही जीवित रह पाता है। ओके, तो अल्टीमेटली इनके कहने का मतलब क्या है, विष संकट दैट मीन पेशेंट डेफिनेटली डाई हो जाता है। ओके, तो ये सभी कंडीशन बताएगी, ये सभी कंडीशन फेवरेबल है जो कि विषों के एक डेथ के लिए। ओके,